हेलो गाइस, माय नेम इज़ महेश और आज हम देखने जा रहे हैं स्केलर्स और वेक्टर चैप्टर का थर्ड पार्ट। इस पार्ट में हम वेक्टर मल्टीप्लिकेशन को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है। यदि हम दो वेक्टर्स मल्टीप्लाई करते हैं एक दूसरे के साथ तो उसका नतीजा यदि एक स्केलर क्वांटिटी आती है तो उसको हम कहते हैं डॉट प्रोडक्ट या तो फिर स्केलर प्रोडक्ट। और दूसरा भी एक पॉसिबल केस हो सकता है उसका, वो हो सकता है कि दो वेक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी निकल के आए तो उस प्रोडक्ट को हम बोलेंगे क्रॉस प्रोडक्ट या तो फिर वेक्टर प्रोडक्ट। तो पिछले लेक्चर में हमने देखा कि स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है, इस लेक्चर में हम देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है, उसके प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स देखेंगे और देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट से। ओके गाइज, यहाँ पे देखिए कि हमने दो वेक्टर्स लिए हैं, एक वेक्टर है P बार और दूसरा वेक्टर है Q बार। इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो एंगल है थीटा, और यदि इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो यहाँ पे भी दो केसेस हो सकती है। सबसे पहली केस देखेंगे हम कि P बार पहले लेंगे और Q बार बाद में लेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट में ये बात हमेशा ध्यान में रखना कि क्रॉस प्रोडक्ट में कौन सा वेक्टर पहले ले रहे हम और कौन सा वेक्टर बाद में ले रहे हैं, इस पे डिपेंड होगा कि उसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। यानी कि वेक्टर प्रोडक्ट जो होता है या तो फिर क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। यदि पहले केस में पी बार क्रॉस क्यू बार लिया है हमने तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ होता है, इसका रिजल्टेंट डिपेंड होता है इसकी डायरेक्शन पे, और इसका रिजल्टेंट वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में, समझो ये है उसका रिजल्टेंट आर बार। सो पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू आर बार, और इसकी वैल्यू क्या होगी, पी क्यू साइन थीटा। बट इसकी डायरेक्शन भी दिखाना बहुत ज़रूरी है, समझो ये यूनिट वेक्टर है आर के डायरेक्शन में तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यू आर कैप से। नथिंग बट पी बार क्रॉस क्यू बार इक्वल टू आर बार विच इज रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर्स विच इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा यू आर कैप। यू आर कैप इज नथिंग बट शोइंग द डायरेक्शन ऑफ दिस आर बार। तो सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स इनटू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम। और ये यू आर कैप हर बार निकालना जरूरी नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे दो केसेस देख रहे हैं इस वजह से ये यू आर कैप इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और दूसरा केस क्या हो सकता है, क्यू बार क्रॉस पी बार। अब इस केस में देखिए कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आएगा ये इस डायरेक्शन में नहीं होगा, वो किस डायरेक्शन में होगा, वो होगा नीचे की डायरेक्शन में, समझो ये है हमारा वेक्टर एस बार, और ये है एस बार की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर यू एस कैप। तो क्यू बार क्रॉस P बार इज इक्वल टू S बार इज इक्वल टू पी क्यू साइन थीटा, बट डायरेक्शन ऑफ दिस विल बी अलोंग यू एस कैप, नथिंग बट डाउनवर्ड डायरेक्शन इट विल बी हैविंग। बिकॉज देखिए इस पहले केस में ये इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट होगा इसकी डायरेक्शन ऊपर के डायरेक्शन में होगी, और इस सेकेंड केस में ये जा रहा है नीचे की डायरेक्शन में, इसका मतलब क्लॉकवाइज होगा और इसका जो रिजल्टेंट है एस बार उसकी डायरेक्शन होगी नीचे की डायरेक्शन में। अब ये जो डायरेक्शंस है रिजल्टेंट की आर बार की और एस बार की, ये कैसे डिसाइड करते हैं, ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा। तो इसका आंसर मिलता है हमें राइट हैंड स्क्रू रूल से, राइट हैंड स्क्रू रूल से। ये राइट हैंड स्क्रू रूल क्या होता है ये देखेंगे हम। अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल यदि हम एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे यानी कि पी बार क्रॉस क्यू बार लेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसकी डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, और यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे
इसका मतलब हम q बार क्रॉस p बार लेंगे तो इसका जो रिजल्टेंट होगा इसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। अभी ये जो r बार और ये s बार होता है ये एग्जैक्टली परपेंडिकुलर होता है प्लेन ऑफ दिस p बार एंड q बार। ये इमेजिन करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है आपको, लेकिन ये बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये जो p बार और q बार ये दो वेक्टर्स है वो कोप्लेनर वेक्टर्स है और उसका जो प्लेन है p बार और q बार का उस प्लेन को एग्जैक्टली परपेंडिकुलर उसका रिजल्टेंट होगा क्रॉस प्रोडक्ट में। ये r बार जो है ये भी परपेंडिकुलर है इस प्लेन को और s बार जो है वो भी परपेंडिकुलर है p बार और q बार के प्लेन को। तो ये राइट हैंड स्क्रू रूल एग्जैक्टली क्या है ये थोड़ा समझते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि स्क्रू कैसा होता है, ये यदि हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ये नीचे की डायरेक्शन में जाता है और यदि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हैं तो ऊपर आता है। यानी कि किस डायरेक्शन में इसको घुमाते हैं हम इस पर टोटली डिपेंड करता है कि इसका मूवमेंट जो है वो किस डायरेक्शन में होगा। तो ये समझने के लिए हम एक छोटी सी क्लिप देखेंगे। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो क्लिप से आपको ये राइट हैंड स्क्रू रूल परफेक्टली समझ में आएगा। If a right-handed screw rule is rotated from vector A to vector B through a small angle, the direction of the advancing screw gives the direction of the cross product of vectors A and B. If the screw is rotated from vector B to vector A through a small angle, the advancement will be downward. आई होप कि आपको राइट हैंड स्क्रू रूल क्या है ये एग्जैक्टली समझ में आ गया होगा और राइट हैंड स्क्रू रूल का क्रॉस प्रोडक्ट के साथ क्या कनेक्शन है, कौन सा वेक्टर पहले लेंगे तो किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट जाएगा और दूसरा वेक्टर हम पहले लेंगे तो किस डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ये बात आपको समझ में आ चुकी होगी। चलिए चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जिसमें हम देखेंगे कि एग्जैक्टली डिफरेंस क्या होता है डॉट प्रोडक्ट में और क्रॉस प्रोडक्ट में और इसमें हम प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ ये डिफरेंस क्लियर करेंगे। पहले देखते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक क्वांटिटी है एफ बार और ये दूसरी क्वांटिटी है एस बार। ये एफ बार इज नथिंग बट फोर्स है हम इस कार्ट पे अप्लाई कर रहे हैं और ये एस बार शो कर रही है इसकी डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। अब यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में है और उस फोर्स की वजह से इस कार्ट की जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है वो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो फिर इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है थीटा, ओके, विच इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो यहां पे W क्या होगा, W नथिंग बट वर्क डन, वर्क डन विल बी इक्वल टू फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या है कि ये W जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, वो शो करने के लिए वो एक्सप्रेस करने के लिए डायरेक्शन की जरूरत नहीं रहेगी। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट है वो डॉट प्रोडक्ट है और यहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया इसका प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा, लेकिन इसका इक्वेशन लिखेंगे उसके पहले। इसका जो इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, एफ एस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे ये जो थीटा है वो एंगल है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे। एक केस कंसिडर करिए, ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट है, इन दोनों के बीच में यदि एंगल जीरो है इसका मतलब क्या है कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स दे रहे उसी डायरेक्शन में यदि ये डिस्प्लेसमेंट होगी तो दोनों के बीच में एंगल जीरो आएगा और ये एंगल जीरो आएगा तो वर्क डन क्या आएगा, एफ एस कॉस जीरो। इसका मतलब F into S because cos 0 is equal to 1, nothing but work is equal to F into S only. This is nothing but the maximum work done we can achieve when we apply force on a body and that body is moving or displacing in the direction of force. At that time, we get work done applied on that particular object which is maximum. So, ये डॉट प्रोडक्ट ही क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि जब भी एफ बार और एस बार में एंगल जीरो होगा तभी भी वर्क डन अप्लाई होगा यहाँ पे। इसका मतलब क्या है कि यदि साइन थीटा लेंगे इसका मतलब क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे तो वर्क डन जीरो हो जाएगा यदि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में है। ये कॉन्ट्रावर्सियल है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क डन मैक्सिमम कब होता है, जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो
इसका मतलब यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ही लेना जरूरी है। ये है हमारा प्रैक्टिकल एक्सप्लेनेशन किसके लिए, ये वर्ग का जो फॉर्मूला लिया है, यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच में डॉट का साइन क्यों लिया, या तो फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डॉट प्रोडक्ट में क्यों प्रेजेंट करते हैं वर्ग में। अब हम जाएंगे क्रॉस प्रोडक्ट की तरफ। क्रॉस प्रोडक्ट का हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेंगे, ये है टैप। अब इस टैप का ये ऊपर का हिस्सा सिर्फ कंसीडर करेंगे हम, यहाँ पे मैं निकाल देता हूँ, यदि ये है ऊपर का हिस्सा टैप का, और यहाँ से हम एक फोर्स लगाते हैं और ये होता है उसका रेडियस। समझो ये है रेडियस वेक्टर और ये है हमारा एफ बार। इसका मतलब यहां से यहां तक रेडियस होगी और यहां पे हम फोर्स अप्लाई करेंगे। ये रेडियस वेक्टर और ये फोर्स वेक्टर, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, एक्चुअली इस टैप के केस में हमें दोनों साइड से फोर्स लगाना पड़ता है, इस डायरेक्शन से भी और इस डायरेक्शन भी, उसको हम टॉर्क बोलते हैं। टॉर्क नथिंग बट आर बार क्रॉस एफ बार। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समझो एफ बार और आर बार के बीच में एंगल है थीटा, तो टॉर्क कैसे डिफाइन किया जाएगा, आर एफ साइन थीटा। अब क्रॉस प्रोडक्ट ही क्यों लिया है यहाँ पे, इसका एक्सप्लेनेशन में यहाँ पे दूंगा। यदि आर बार और एफ बार इन दोनों के बीच में एंगल है जीरो, सपोज ये एंगल यदि जीरो होगा तो यहाँ पे टॉर्क हो सकता है क्या? यदि आपने अच्छी तरीके से सोचा होगा तो आपको ये आंसर मिला होगा कि यदि फोर्स बार और रेडियस बार एक ही डायरेक्शन में होंगे तो हम टैप को घुमा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है कि फोर्स वेक्टर और रेडियस वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे तो मिनिमम एफर्ट्स में हम उस टैप को घुमा सकते हैं। इसका मतलब क्या है, साइन 90 इज इक्वल टू 1, और ये जो टॉर्क है फोर्स वेक्टर और रेडियस वेक्टर यदि परपेंडिकुलर होंगे तो टॉर्क हमें मैक्सिमम मिलेगा, उसकी वैल्यू मिलेगी आर इंटू एफ। सो ये समझ में आ चुका होगा कि टॉर्क के केस में हमने क्रॉस प्रोडक्ट को ही क्यों इंट्रोड्यूस किया है। यदि यहाँ पे हम डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, इसका मतलब यहाँ पे कॉस थीटा आएगा और कॉस 90 क्या हो जाएगा, जीरो। और इसका मतलब यदि फोर्स वेक्टर और रेडियस वेक्टर एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है तो टॉर्क आएगा जीरो। और ये जो प्रैक्टिकली हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, इससे वो एग्जैक्टली कॉन्ट्रावर्शियल रिजल्ट दे रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ही लेना जरूरी है। और मैं आशा रखता हूँ कि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। सो दैट इज व्हाट गाइस अबाउट डिफरेंस बिटवीन डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स। राइट गाइज, तो अब हम देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन ओबे नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि यदि पी बार और क्यू बार ये दोनों वेक्टर्स है और थीटा इज एंगल बिटवीन दिस टू वेक्टर्स, देन पी बार क्रॉस क्यू बार इज नॉट इक्वल टू क्यू बार क्रॉस पी बार। इसका एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि ये देखो पी बार और क्यू बार, ये पी बार है ये क्यू बार है, यहाँ पे पी बार क्रॉस क्यू बार लेते हैं तो इसकी डायरेक्शन जो है ऊपर आती है क्योंकि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल ये जो रिजल्टेंट आएगा वो ऊपर की डायरेक्शन में आएगा तो इसकी डायरेक्शन अलग होगी, और यदि हम क्यू बार क्रॉस पी बार लेते हैं तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगा, ये थीटा है और इसकी डायरेक्शन जो है क्यू बार क्रॉस पी बार की, समझो ये एस बार है, उसकी डायरेक्शन नीचे होगी अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल। इसका मतलब पी बार क्रॉस क्यू बार और क्यू बार क्रॉस पी बार इन दोनों की डायरेक्शन सेम नहीं है। इसका मतलब ये दोनों जो केसेस है पी बार क्रॉस क्यू बार और क्यू बार क्रॉस पी बार, ये दोनों केसेस सेम नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे एक बात मैं ज़रूर मेंशन करूँगा कि जो मैग्नीट्यूड होता है पी बार क्रॉस क्यू बार का, ये एग्जैक्टली इक्वल होता है क्यू बार क्रॉस पी बार के मैग्नीट्यूड के साथ। इसका मतलब मैग्नीट्यूड तो ज़रूर सेम होगा लेकिन डायरेक्शन सेम न होने के कारण ये जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओबे नहीं करता। सो दैट इज व्हाट द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। लेट अस गो एंड सी सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। सेकेंड प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन।
क्रॉस प्रोडक्ट जो है मल्टीप्लीकेशन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओबे करता है। इसका मतलब क्या है कि समझो यहाँ पे तीन वेक्टर्स है, ए बार क्रॉस बी बार प्लस सी बार, ये यदि गिवन केस है तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ए बार क्रॉस बी बार प्लस ए बार क्रॉस सी बार, यानी कि इसका मतलब है क्रॉस प्रोडक्ट ओबेस डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। थर्ड प्रॉपर्टी है स्पेशल केसेस। अब देखिए ये जो एंगल थीटा है दो वेक्टर्स के बीच का, ये यदि थीटा है, ये पी बार है और ये क्यू बार है, ये एंगल जो है थीटा ये यदि जीरो होगा, ये यदि 90 डिग्री होगा और ये यदि 180 डिग्री होगा, फॉर दिस स्पेशल वैल्यूज ऑफ दिस एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होगा वो हम देखेंगे। सबसे पहले केस में देखेंगे कि p बार क्रॉस q बार क्या आएगा। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये p बार क्रॉस q बार क्या आएगा, पी क्यू साइन थीटा, विच इज इक्वल टू पी क्यू साइन जीरो, और ये आएगा जीरो। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वो आएगा जीरो वेक्टर और नल वेक्टर व्हेन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज जीरो। ओके गाइस, सो दैट इज व्हाट अबाउट फर्स्ट स्पेशल केस ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट विथ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स इज जीरो डिग्री। नाउ लेट अस सी व्हाट विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट व्हेन एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स इज 90 डिग्री। सो पी बार क्रॉस q बार विल बी पी क्यू साइन 90 एंड इट विल बी इक्वल टू पी क्यू। इसका मतलब होगा कि p बार क्रॉस q बार विल हैव मैक्सिमम मैग्नीट्यूड व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हमने देखा है टॉर्क के केस में भी कि टॉर्क मैक्सिमम कैसे आता है यदि फोर्स और रेडियस के बीच में 90 डिग्री एंगल हो तो। सो यहाँ पे और एक बात देख सकते हैं हम, यदि समझो I cap cross J cap यदि लिया, यहां पे मैं दिखा देता हूं आपको, समझो ये है अवर कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये X है, ये Y है और ये है Z एक्सिस, इसके अलोंग रहेगा I cap, इसके अलोंग रहेगा J cap और Z एक्सिस के अलोंग रहेगा K cap। यदि I cap और J cap इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेंगे, ये ध्यान में रखिए कि I cap, J cap और K cap ये तीनों यूनिट वेक्टर्स है अलॉन्ग X, Y एंड Z directions रिस्पेक्टिवली। ये I cap और J cap इन दोनों का यदि क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे हम तो इसका नतीजा क्या होगा, ये K cap होगा। दूसरे केस में यदि J cap क्रॉस K cap लेंगे तो इसका नतीजा क्या होगा, I cap होगा, और K cap क्रॉस I cap इसका नतीजा क्या निकल के आएगा, J cap। यहाँ पे आप देखिए कि I cap और J cap मैं किस डायरेक्शन में गया हूँ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया हूँ, और यदि एंटी क्लॉकवाइज गया हूँ तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड स्क्रू रूल इसका नतीजा क्या आएगा, ये K cap आएगा, नथिंग बट दिस। इफ आई एम गोइंग फ्रॉम J cap टू K cap, आई एम गोइंग अगेन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो इसका नतीजा आएगा I cap। And if I see this K cap into I cap, K cap into I cap, again I am going in anti-clockwise direction, so its result will be J cap. One more case we can consider when we go in clockwise direction. What will be the first case? J cap cross I cap. It will be what? It will be in this direction. Okay guys, and in this direction there will be minus K cap. So therefore J cap cross K cap will be equal to minus K cap. Similarly we can write K cap cross J cap equal to minus I cap, and I cap cross
k cap is equal to minus j cap. So these are very essential things to know, what are the products of I cap and j cap and k cap and I cap, nothing but in anticlockwise direction, and in clockwise direction nothing but j cap into I cap, k cap into j cap and I cap into k cap. I hope guys you got this concept clearly, because we have to see several problems based on it. Okay guys, let us see our last case of theta is equal to 180 degree. So what does it mean? P bar cross Q bar is equal to PQ sine theta, PQ sine 180. तो sine 180 nothing but sine pi, और sine pi क्या होता है? Zero. Nothing but P bar cross Q bar is equal to zero vector or null vector in this case also. In the case of angle zero, it was zero, and in the case of theta is equal to 180 degree, it is also zero. So only in case of 90 degree it is coming maximum, and we got all these cases. I hope guys you are clear with this special cases of cross product. Let's see guys the fourth property of cross product, P bar is equal to Q bar. What does it mean? It means that if two vectors are equal to each other and if we take cross product of it, then what will be the case? The case will be PQ sine theta equal to PQ sine 0 is equal to 0. It means what? P bar and Q bar, these are the two equal vectors, they are having equal magnitude, as well as angle between these two is 0 degree, nothing but sine 0 is 0, and because of that P bar cross Q bar is equal to 0. We can derive a few cases regarding unit vectors, I cap cross I cap, J cap cross J cap and K cap cross K cap. What will be these results? These results will be 0, because angle between I and I will be 0, angle between J and J will be 0, angle between K and K unit vector is 0. So I hope guys you are clear with the fourth property of the cross product. Let's go guys and see fifth characteristic of cross product. Before seeing fifth property, let me write two vectors, P bar is equal to PX I cap plus PY J cap plus PZ K cap, and Q bar is equal to QX I cap plus QY J cap plus QZ K cap. According to fifth characteristic, P bar cross Q bar is equal to determinant of I cap, J cap, K cap, PX, PY, PZ and QX, QY and QZ. ये फिफ्थ प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमें ये P बार क्रॉस Q बार की वैल्यू एक डिटर्मिनेंट मिलता है, जिसका फर्स्ट रो होता है I cap, J cap और K cap, सेकेंड रो होता है PX, PY, PZ और थर्ड रो होता है QX, QY और QZ. लेकिन हमें ये प्रूव करनी है. ये प्रूव करने के लिए हम क्या लेंगे? P bar cross Q bar is equal to, according to this, what will be the P bar cross Q bar? PX I cap plus PY J cap plus PZ K cap cross QX I cap plus QY J cap plus QZ K cap. Okay, so let us multiply these two bracket guys. What will be the outcome of it? PX I cap into all these things, then it will become PX QX I cap cross I cap plus PX QY I cap cross J cap plus PX QZ I cap cross K cap plus
this py j cap into all the quantities in this bracket, what it will come? Py qx j cap cross I cap plus py qy j cap cross j cap plus py qz into j cap cross k cap and pz qx k cap cross I cap plus pz qy k cap cross j cap plus pz qz k cap cross k cap. Okay guys, in third and fourth property we have seen these values I cap cross I cap cross j cap cross k cap, this j cap cross I cap, all these values we have to put over here. Once again let me tell you what is I cap cross I cap. I cap cross I cap is equal to j cap cross j cap equal to k cap cross k cap is equal to what? 0. And what are the values of I cap cross j cap? Equal to k cap, j cap cross k cap equal to I cap, k cap cross I cap equal to j cap. Also we know that j cap cross I cap equal to minus k cap, this k cap cross j cap equal to minus I cap, and last I cap cross k cap equal to minus j cap. So let us put all this value into this expression. Outcome will be p bar cross q bar equal to, see first I cap cross I cap which is 0, so 0 plus I cap cross j cap. I cap cross j cap is k cap, nothing but px qy k cap plus I cap into k cap. I cap into k cap is nothing but minus j cap. So here sign will be minus, so minus px qz j cap. Then we are done with this term. We have to see this now. So py qx into j cap cross I cap. You can see j cap cross I cap is minus k cap. So what will be the outcome of it? Py qx k cap plus ye 0 plus ye j cap cross k cap is nothing but I cap. So py qz I cap plus k cap cross I cap is equal to j cap. That is why pz qx j cap plus k cap cross j cap is minus I cap. So pz qy I cap plus k cap cross k cap is 0. So we got these things. So let us erase all the zeros and write ye q bar hai. So p bar cross q bar will be equal to py qz minus pz qy into I cap. Then let us take j cap terms together, j cap, and here is j cap term. So minus, if we take common, py qx minus pz qx into j cap, and then take k cap terms together. So what will be the outcome? Px qy minus py qx into k cap. I hope guys you understood this.
हमने सिर्फ क्या किया है, यहाँ पे जो आई जे और के ये कॉमन निकालने के लिए रिस्पेक्टिव टर्म्स टुगेदर लिए। हमें क्या शो करना है कि पी बार क्रॉस क्यू बार ये जो है ये एक डिटर्मिनेंट आता है, हमने ऊपर लिखा है ये डिटर्मिनेंट। हम क्या करेंगे अब कि ये डिटर्मिनेंट लेंगे और इसकी वैल्यू निकाल के देखेंगे, ये यदि इक्वल आती है इस वैल्यू के तो हम क्या बोल सकते हैं कि पी बार क्रॉस क्यू बार ये जो है वो डिटर्मिनेंट है। तो लेट अस राइट दैट डिटर्मिनेंट एंड फाइंड आउट वैल्यू ऑफ इट। लेट अस से फर्स्ट दिस इक्वेशन इज नंबर वन, सो पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू आई कैप जे कैप के कैप पी एक्स पी वाई पी जेड क्यू एक्स क्यू वाई एंड क्यू जेड। ओके, सो लेट अस सॉल्व इट। आई कैप इन टू द ब्रैकेट पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई पी जेड क्यू वाई। वट डिड आई डू इफ आई एम सॉल्विंग दिस डिटर्मिनेंट? आई हैव टू टेक दिस टर्म विच इज आउटसाइड द ब्रैकेट एंड इन ब्रैकेट वट डू आई डू? आई हैव टू स्कीप दिस रो एंड दिस कॉलम एंड आई हैव टू डू क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ऑफ इट, मीन्स पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई। देन आई हैव टू टेक साइन माइनस, it will be j cap outside it, then I have to skip this row and this column, then what will come into the bracket? Cross multiplication of px qz and pz qx. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो j cap की जो term है वो हमें common निकालनी थी, इसमें एक थोड़ी सी गलती हुई है। ये देखिए आप px qz minus पी जेड क्यू एक्स करना चाहिए, हमने ये पी वाई क्यू एक्स लिया है, तो ये थोड़ा सा करेक्ट कर देते हैं हम। इसकी जगह पे क्या होना चाहिए? पी एक्स क्यू जेड होना चाहिए। ओके गाइस, सो ये टर्म आएगी यहां पे देखिए पी एक्स क्यू जेड पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स, और ये प्लस लेते हैं हम। ये डिटर्मिनेंट का रूल है, सेकेंड टाइम हमें माइनस साइन लेना होता है और थर्ड टाइम हमें प्लस साइन लेना होता है। ये केस है 3/3 डिटर्मिनेंट की, 2/2 के डिटर्मिनेंट में हम सीधा माइनस साइन ही लेते हैं। ओके, सो प्लस क्या आएगा ब्रैकेट में? ये रो और ये कॉलम कैंसिल करो और बाकी बचे हुए ये जो चार एलिमेंट्स है उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा? पी एक्स क्यू वाई इंटू पी वाई क्यू एक्स पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स, और यहाँ पे बाहर आएगा के कैप। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? पी वाई क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू वाई इंटू आई कैप माइनस पी एक्स क्यू जेड माइनस पी जेड क्यू एक्स इंटू जे कैप प्लस पी एक्स क्यू वाई माइनस पी वाई क्यू एक्स इंटू के कैप। आप देख सकते हैं कि जो इक्वेशन नंबर वन है और ये जो इक्वेशन नंबर टू है पी बार क्रॉस क्यू बार का, ये दोनों इक्वेशन एग्जैक्टली इक्वल है। और ये जो रिजल्ट है ये किसका रिजल्ट है? ये डिटर्मिनेंट का है। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो है पी बार क्रॉस क्यू बार इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट, ये प्रूव हो जाता है। ओके गाइज, तो ये थी हमारी फिफ्थ प्रॉपर्टी। सो आई होप गाइज यू गॉट फिफ्थ प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट। राइट गाइज, लेट अस सी सिक्स्थ प्रॉपर्टी ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। यदि टू वेक्टर्स p बार और q बार ये एडजेसेंट साइड्स ऑफ वन पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम विल बी इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स।
ओके गाइज, तो अकॉर्डिंग टू सिक्स प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट, एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज इक्वल टू क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स अलोंग द एडजेसेंट साइड्स ऑफ दैट पैरेललोग्राम. ए बी सी डी इज सपोज द पैरेललोग्राम एंड लेट अस ड्रॉ वन perpendicular over here. Suppose this point is M and this will be the height of the parallelogram. Okay, what will be the area of parallelogram? Area of parallelogram A, B, C, D will be equal to base into height. So what is base of the parallelogram? A, D is the base and height is the BM. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि in ट्रायंगल ए बी एम साइन थीटा क्या है? साइन थीटा, ये देखिए थीटा जो है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स है, ये साइन थीटा क्या आएगा? अपोजिट साइड नथिंग बट एच अपॉन हाइपोटिनस. व्हाट इज हाइपोटिनस? हाइपोटिनस इज नथिंग बट ए बी, बी एम अपॉन ए बी. सो बी एम की वैल्यू क्या आएगी? बी एम इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा. ये वैल्यू जो है ये इस इक्वेशन में रख देंगे हम, तो एरिया of parallelogram A B C D will be given by A D into A B sin theta as B M is equal to A B sin theta. Okay, so what is A D? A D is nothing but P, magnitude of the vector P bar, into A B is nothing but what? Magnitude of the vector Q bar, Q sin theta, and this is what? P bar cross Q bar. According to definition of cross product, we know that P bar cross Q bar is equal to PQ sin theta. So what does it mean? Area of this parallelogram is equal to the cross product of the two vectors along the adjacent sides of this parallelogram. So this is what about six property of the cross product. I hope guys you understood all the things I told in this lecture. किसी भी पार्ट में आपको क्वेरी है या तो फिर प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे लिख सकते हैं. मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपके क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए. और यदि आपको ये लेक्चर सीरीज यूजफुल लग रही है तो आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर.